तो यहाँ पर अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर बड़ा भंडारे का आयोजन किया गया है और आप देख सकेंगे कि यहाँ लोग जो है वो लंबी कतारों में लग के इस भंडारे का आनंद ले रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ा यहाँ पर आयोजन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो है बाहर ये आयोजन किया गया है, भंडारे का, एकदम महाभंडारे का आयोजन यहाँ पे किया गया है और जन्म दिवस के अवसर पर भंडारे का ये आयोजन किया गया है हर तरफ से। तो देखिए यहाँ पर बढ़िया जो है आयोजन, क्या कहेंगे कैसा खाना वाना बना है? अच्छा है भैया, अच्छा है, सबसे ज्यादा है, ठीक ठीक ही गई। क्या नाम है? सब लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है। यादव जी दीर्घायु हो, शुभकामनाएं हैं जी। हमारे और पार्षद दल के उपनेता देवेंद्र सिंह यादव जीतू द्वारा ये आयोजन किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के भविष्य, आने वाले समय में हिंदुस्तान के भविष्य और हो सकने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस पे गरीब जनता की सेवा कर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी, गरीबों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा और महंगाई को निश्चित रूप से हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इस भव्य भंडारे के आयोजन में इसकी कमान जो है वो रविदास मेहरोत्रा जी ने थाम ली है और यहाँ पर वो लोगों को प्रसाद बांटते हुए नजर आ रहे हैं। रविदास जी क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन सभी कार्यकर्ता और नेता खुशी, उत्साह और जोश से मना रहे हैं। ये खुशी, ये जोश इस बात के लिए भी है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और देश की तीसरी पार्टी बन गई है। हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि जब तक समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग और महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। एक नए तरीके का पीडीए वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि आज अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस पर 52 लाख पेड़ आज लगाएंगे और एक हफ्ते तक लगातार ये पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे पीडीए का संघर्ष बढ़ेगा और पीडीए के लोगों को हक, अधिकार और न्याय मिलेगा।